तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैं वीडियो कैसे शूट करता हूँ अपने मोबाइल में या अपने घर में। क्या मेरा शूट का लोकेशन है, क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ, क्या क्या मैं कोई कोई से क्या रे यार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं वीडियो शूट कैसे करता हूँ, कौन कौन से गैजेट्स यूज़ करता हूँ और किस प्रकार से मैं किस लोकेशन पे यूज़ करता हूँ, तो वो चीज़ बताने वाला हूँ। तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन होगा क्योंकि मेरे पास कोई प्राइवेट रूम नहीं है, मैं सिंपली ऐसे ही करता हूँ कहीं भी। तो मैं आपको एक थोड़ा सा लोकेशन बताऊँगा जहाँ मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बनाता हूँ। तो मैं आपको एक टू जेड बताऊँगा किस हिसाब से करता हूँ, कैमरे से करता हूँ या फ़ोन से करता हूँ, तो पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये है मेरा छोटा सा सेटअप जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं वीडियो कैसे शूट करता हूँ, जो कि मैंने पहले बताया आपको। मेरे पास कुछ ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट कोई रूम नहीं है, मेरा रूम कोई पर्सनल नहीं है, एक सिंपल सी रूम है मेरा, एक छोटा सा जगह है जो सबका कंबाइंड रूम है। तो मैंने एक रूम की ये सब बना रखा है बिल्कुल एंड पे, यहाँ देखोगे आप, यहाँ बिल्कुल एंड कॉर्नर पर मैंने ये जगह बना रखी है जहाँ की मैं शूट करता हूँ। ये मेरा गैजेट रखा है जिस पर मैं वो मोबाइल को स्टैंड करता हूँ, कोई DSLR यूज़ नहीं करता, सिंपली मोबाइल के थ्रू ही मैं बनाता हूँ। तो मैं अपना यहाँ पर मोबाइल को यहाँ स्टैंड करता हूँ एंड देन मैं सामने या फ्रंट में खड़ा हो जाता हूँ, तो ऐसे करके मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और जो मेरा ऑडियो होता है, ऑडियो के लिए मैं यहाँ पर ऐसे इस माइक को, हेडफोन को यहाँ पर बांध देता हूँ और इसके से ही मैं अपनी आवाज़ को शूट बोलता हूँ। कोई स्पेशल माइक यूज़ नहीं करता, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता, सिंपली इसके थ्रू ही मैं अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये लाइटिंग के लिए खिड़की लगी हुई है सामने फ्रंट में। अगर मैं यहाँ पर खड़े जाऊँगा तो आप देखेंगे तो यहाँ मेरा चेहरा क्लियर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसलिए जगह ली हुई है क्योंकि यहाँ पर जो लाइटिंग है सही आती है, जिससे मेरा फेस बिल्कुल क्लियर आता है, कोई लाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली मैं अपने यहाँ मोबाइल स्टैंड करता हूँ एंड देन उसके बाद रिकॉर्डिंग करना चालू कर देता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। तो अपने हेडफोन को मैं जैसे यहाँ मोबाइल रखा, हेडफोन को यहाँ पर मैं ऐसे स्टैंड कर देता हूँ, हेडफोन को ऐसे करके मैं यूँ बांध देता हूँ और यूँ बोलना चालू कर देता हूँ, जिससे मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड होती रहती है एंड देन मेरे दोनों हैंड फ्री हो जाते हैं, जिससे मैं आराम से आपसे बात कर सकता हूँ और आपको सोल्यूशन भी बता सकता हूँ। तो इसलिए दोस्तों छोटा सा ही सेटअप है, कोई स्पेशल है नहीं। और जो ये कलर दिख रहा है ये नॉर्मल जो पता ही होती है वही है, कोई मैंने अलग से कोई पैटर्न नहीं कराया हुआ, कुछ नहीं कराया हुआ, सिर्फ एक ये यूज़ करता हूँ मैं, एक नॉर्मल सा स्टैंड यूज़ करता हूँ, एक सिंपल सा ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ एंड देन सामने एक हेडफोन यूज़ करता हूँ और अपने मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। मैं पीछे वाले कैमरे से यूज़ करता हूँ, बैक कैमरे से ही हमेशा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, जिससे वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है एंड देन क्वालिटी को वीडियो क्वालिटी की सेटिंग में जाके फुल HD पे सेट करके रखा है, जिससे वीडियो की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो एंड अच्छी खासी। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से तो मेरा जो व्यू है बिल्कुल ऐसा रहता है। ये मैंने स्टैंड पर रख दिया मोबाइल, मोबाइल मैंने 1 मिनट अब स्टैंड पर खड़ा कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मेरा मोबाइल अब रखा गया है बिल्कुल स्टैंड पे, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से मैं करता हूँ अपनी पूरी वीडियो को शूट। आप देखेंगे मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने अधिकतर वीडियोस पूरी यहीं शूट करी गई है, कोई स्पेशल जगह नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शूटिंग नहीं, बिल्कुल खड़े होकर ही वीडियो बनाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये छोटा सा मेरा सेटअप था जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।